ये भी मतलब पूछ रहे थे, आज मैं दिन लड़कियां हैं जो जीन्स वगैरह पहनती है अपने घर में या पहनाने जाती है वहां भी हिजाब के अंदर पहनती, तो क्या ये जायज है? जैसे सवाल 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 समझ नहीं जींस सका पहनने के एक्चुअली। ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं। जी, लड़कियों के देखिए, औरतों के लिए ऐसा लिबास पहनना है जिसमें मर्दों की मुशाबहत ना हो। औरतों के लिबास के सिलसिले में जो जवाबित है हमारी शरीयत में, उसी में से एक जाबता या एक कानून ये है कि औरत का लिबास मर्दों के लिबास के मुशाबह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर किसी समाज और मुआशरे में जीन्स ये मर्द का लिबास माना जाता हो, तो हम कहेंगे कि वहां पर औरत के लिए जीन्स पहनना ये मर्दों की मुशाबहत है। लेकिन अगर कोई ऐसा समाज है जहां पे जीन्स औरतों और मर्दों सब में आम है, तो वहां पे औरत पहन सकती है क्योंकि वहां पे सबका लिबास है। और हम सब जानते हैं कि समाज समाज और मुआशरे मुआशरे का फर्क होता है लिबास वगैरह में। तो अगर जी, वहां पर मर्द और औरत दोनों जीन्स पहनते हैं, तो औरत जीन्स पहन सकती है वहां पर। लेकिन जीन्स जो लिबास होता है, जीन्स टाइट होता है, आमतौर से जीन्स का लिबास टाइट होता है, जिस्म से चिपका हुआ होता है, और औरत के लिए पर्दा करना ये वाजिब है। पर्दे का मतलब तीन चीजों का ख्याल रखना, ये आप ठीक से इसको समझ लें। औरत के लिए या मर्द के लिए, सबके लिए पर्दा करना ये वाजिब है। और पर्दे का मतलब हुआ कि तीन चीजों का लिहाज उसको करना है। पहली चीज तो उसका लिबास ऐसा हो जिससे कि उसका जिस्म ना दिख रहा हो। दूसरा ये कि उसका लिबास इतना बारीक ना हो कि उसका जिस्म या उसका कलर उससे झलक रहा हो। तीसरा ये कि उसका लिबास इतना तंग ना हो कि जिस्म के आजा जाहिर हो रहे हो। जैसे लिबास अगर मोटा भी है लेकिन तंग है और जिस्म के आजा, वो आजा जिनका छुपाना जरूरी है, वो जाहिर हो रहे हैं, उनका नसीबो फराज वाजे हो रहा है, तो उसको लिबास सातिर नहीं कहेंगे। पर्दे वाला लिबास नहीं है वो। तो सातिर लिबास की तीन औसाफ होते हैं, जिस्म को ढकने वाला हो, जिस्म का कलर ढकने वाला हो, और जिस्म की जो हयत और कैफियत है उसको ढकने वाला हो, तब हम कहेंगे कि वो पर्दे वाला लिबास है। अब अगर कोई औरत किसी ऐसे समाज और मुआशरे में जीन्स पहनती है जहां पर औरतों के अंदर आम है जीन्स पहनना, तो हम कहेंगे ठीक है, वो पहन सकती है। लेकिन जब उसने अब जीन्स पहन लिया, अब उसके लिए जीन्स के ऊपर कुछ ऐसा लिबास डालना जरूरी है जिससे कि वो अपने जिस्म को छुपा सके, क्योंकि जीन्स ये टाइट होता है और वो सातिर नहीं माना जाएगा। तो जीन्स अगर अंदर पहन रही है तो ऊपर से बुरका वगैरह या जो कोई भी कपड़ा वो पहने। लेकिन ये उस जी समाज और मुआशरे की बात है जहां पर जीन्स ये मर्दों के साथ खास नहीं है। जी जजाकल्लाह खैर शेख, वाज़े हैं।